Good morning, student. Welcome in Oxford Group of Institutions online classes. Today, this is first lecture on internet video classes. तो आज हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि इंटरनेट सब्जेक्ट हमारा होता क्या है. जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है जो कि ऑल वर्ल्ड में कहीं भी एक्सेसिबल हो सकता है और जिस पर हम अपने विचारों का आदान प्रदान कंट्री में या फॉरेन कंट्री में, यानी कि दुनिया के किसी भी कोने में हो, तो हम अपने विचारों का आदान प्रदान पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं और आदान प्रदान कर सकते हैं. तो आइए इसी बात को हम एक डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आए. जैसा कि डेफिनेशन में लिखा है कि अ ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क प्रोवाइडिंग अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज कंसिस्टिंग ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स. मतलब कि एक ऐसा ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क जो कि आपको अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन की सुविधा प्रदान करता है जो कि नेटवर्क से मिलकर बना हुआ है और स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जिसमें यूज किए जाते हैं, ऐसा नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है. जैसा कि डेफिनेशन में भी बताया गया कि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का मतलब होता है कम्युनिकेशन में या ऑडियो वीडियो टेक्स्ट को इंटरनेट के माध्यम से ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ हमें प्रोटोकॉल या रूल या नियमों की ज़रूरत होती है जिनके माध्यम से हमारा डेटा एक मशीन से दूसरी मशीन पर ट्रांसफ़र होता है. तो ऐसे नियमों का समूह ही प्रोटोकॉल कहलाता है. एक शब्द और आया था वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज. तो यहाँ पर यानी कि इंटरनेट तो ग्लोबल हो गया पूरा. ग्लोबल मतलब पूरी पृथ्वी पे जहाँ भी उपलब्ध हो, हर जगह उपलब्ध होगा. तो इसमें क्या है कि अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग टॉपिक से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, इसीलिए इसमें वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन आपको मिलता है और अलग अलग प्रकार की सुविधाएँ आपको प्राप्त होती हैं. दूसरा इन्होंने आगे लिखा था कंसिस्टिंग ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स, यानी कि ऐसा नहीं है कि इंटरनेट क्या है कि सिंपल केवल एक नेटवर्क बनाया और बन गया. आपको ये एक्स्ट्रा जानकारी के लिए आपको बता दें कि इंटरनेट एक ऐसा महानेटवर्क है, एक बड़ा सा जाल है जिसमें हर 30 मिनट में दुनिया में कहीं ना कहीं एक नया नेटवर्क या छोटा नेटवर्क कह सकते हैं जुड़ता है. तो ये क्या है, बहुत सारे छोटे बड़े नेटवर्क या कह सकते हैं लैंड वैन पैन का एक छोटा सा कलेक्शन है जो कि बाद में इकट्ठा होते होते बहुत विशाल नेटवर्क के रूप में जाना जाता है, जिसको हम एक नाम देते हैं इंटरनेट. आइए इसके कुछ फीचर्स देखते हैं. जैसे फीचर की बात करें, यहाँ पर यूजेस की बात कर रहे हैं कि यूजेस ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट की यूज़ क्या है, इंटरनेट का यूज़ ईमेल में होता है. ईमेल जैसा कि आप लोग अपने मोबाइल में भी ओपन करते होंगे, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को डिजिटली चिट्ठी भेजी जाती है, ये ईमेल कहलाता है. ईमेल के साथ में कुछ प्रोटोकॉल्स भी यूज होते हैं जो आपको आने वाली क्लासेस में भी जिनसे इंट्रोड्यूस कराया जाएगा. अगला है आपका एंटरटेनमेंट. आप लोग अपने मोबाइल में खूब गाने चलाते होंगे, ऑनलाइन वीडियो देखते होंगे, MP3 चलाते होंगे, बहुत सारा एंटरटेनमेंट और कॉमेडी वीडियो वगैरह आदि चीज़ें देखते होंगे. यानी कि इंटरनेट एक ऐसा संसाधन है जिससे हम अपना मनोरंजन भी कर सकते हैं. अगला है हमारा ऑनलाइन बिजनेस. ऑनलाइन बिजनेस से आप इस शब्द से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे. आपने बहुत बार ऑनलाइन शॉपिंग भी की होगी, फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से. ये सब क्या हैं, ये आपके ऑनलाइन शॉपिंग करने के साधन हैं. जैसा कि यहाँ पर पीछे आया है ऑनलाइन बिजनेस मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल खरीदारी ही कर सकते हैं. एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से भी ऑनलाइन माल खरीद सकता है और उसके बाद में वो रिटेल सेलिंग भी कर सकता है. तो इस तरीके से यहाँ पर ऑनलाइन बिजनेस की भी सुविधा उपलब्ध होती है और शॉपिंग भी हो जाती है. आगे है सोशल नेटवर्किंग.
सोशल नेटवर्किंग का आप लोग बहुत यूज कर रहे हैं आजकल, जैसे कि फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, इंस्टाग्राम हुआ और आपका व्हाट्सएप हुआ, जो आजकल प्रचलन में बहुत ज़्यादा है। इसका प्रयोग लोग अपने थॉट्स, अपने वीडियो, टेक्स्ट, हर चीज़ को एक दूसरे से शेयर करते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, यानी कि सीधे सरल भाषा में कह सकते हैं कि लिख कर ऑडियो वीडियो की फॉर्म में अपनी बातचीत करते हैं। अगला है एजुकेशन। एजुकेशन के क्षेत्र में इंटरनेट का बहुत महत्व है, ये आप सब जानते हैं। जैसा कि अभी मैं आपको वीडियो ही ये शूट करके दे रहा हूँ, ये सब क्या है, इंटरनेट के माध्यम से ही आपको प्रोवाइड हो रहा है। दूसरी चीज, आपने देखा होगा कि जब आप एग्जाम देते हैं, एग्जाम के बाद में जब आपका रिजल्ट शो किया जाता है तो वो भी ऑनलाइन ही आता है। तो आजकल दुनिया में और हर व्यक्ति की लाइफ में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं रह गया है जहां पर इंटरनेट अछूता हो। इंटरनेट हर जगह मौजूद है। उसके बाद में साथ ही साथ इसके आगे हम बेसिक इंटरनेट टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करते हैं। जैसे बेसिक इंटरनेट टर्मिनोलॉजी, इंटरनेट की कुछ ऐसी प्रमुख शब्दावली जो कि इंटरनेट में प्रमुख रूप से होती ही है, जिसके बिहाव पे इंटरनेट होता है। इंटरनेट में वेब ब्राउजर, सॉरी, पहला है www। www क्या होता है, वर्ल्ड वेब ब्राउजर, वर्ल्ड वेब वाइड, ये होता है, जिसका मतलब होता है कि एक ऐसा जाल जिस जाल में सारे वेबसाइट दुनिया भर के कनेक्ट हैं एक दूसरे से, जो कि ऑडियो वीडियो टेक्स्ट हर तरह की फाइल को उस जाल में संदर्भित करके रखता है और बाद में उन वेबसाइट्स का आपस में कलेक्शन भी बना के रखता है, जिससे कि डेटा अगर आप अपने सर्च इंजन पे डालते हैं तो वो सर्च होके वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से ही होता है। आपने जैसा कि हो सकता है अगर आपने पहले अगर पढ़ा हो कंप्यूटर के बारे में, तो मैं आपको थोड़ा और डीप में बता देता हूँ कि ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है, वर्ल्ड वाइड वेब से ठीक पहले जब इंटरनेट यूज़ किया जाता था तो इंटरनेट पर केवल टेक्स्ट की फॉर्म में ही डेटा भेजा जाता था और प्राप्त किया जाता था। लेकिन जब 1994 के बाद में जब वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंशन हुआ, उसके बाद में हमें वीडियो, पिक्चर, ऑडियो वीडियो, टेक्स्ट, एनिमेशन इत्यादि फाइलों को सेंड करने की सुविधा हमें प्राप्त हुई। उसके बाद में अगला पॉइंट है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या होता है, वेब ब्राउज़र एक छोटा सा एप्लीकेशन होता है जो आपकी डिवाइस, मोबाइल या लैपटॉप में या डेस्कटॉप कंप्यूटर पर होता है, जो कि हमें बाई डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से भी दिया जाता है, जिसका नाम है इंटरनेट एक्सप्लोरर। क्रोम आजकल ज़्यादा चलन में है। तो ये वेब ब्राउज़र क्या करता है, ये हमें उस नेटवर्क को यूज़ करने की सुविधा देता है, या दूसरे शब्दों में अगर कंप्यूटर की भाषा की बात करें तो एक ऐसा इंटरफेस या एक ऐसा माध्यम जिसके माध्यम से हम इंटरनेट की जैसी सुविधा को प्रयोग कर पाते हैं, उसको हम वेब ब्राउज़र कहते हैं। दूसरी चीज़ है वेब पेज। वेब पेज क्या होता है, वेब पेज या वेब पेजेस, ये दोनों शब्द आप बड़े सिमिलर हैं लेकिन थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस है। वेब पेज का मतलब होता है कि वेब पेजेस की बात करें तो वेब पेज का कलेक्शन, और वेब पेज की बात करें तो एक पेज से मतलब ये है, ऐसा वेब का मतलब होता है बच्चों इंफॉर्मेशन का पेज जो कि डिजिटली हो, डिजिटली का मतलब कंप्यूटर पर, इंटरनेट पर पड़ा हुआ, ऐसा वेब पेज या ऐसा इंफॉर्मेशन का पेज जो इंटरनेट पर पड़ा हुआ हो वेब पेज कहलाता है। वेब पेज पर हमारी ऑडियो वीडियो और टेक्स्ट इत्यादि फॉर्म में इंफॉर्मेशन टैग मतलब लगी हुई होती है, जो कि आपको इंटरनेट के वेब पेज डिज़ाइन करना भी आपको चैप्टर नंबर 9 में जो HTML लैंग्वेज उसमें सिखाया जाएगा, ये आगे का टॉपिक है। आगे बात करते हैं, हमारा है वेबसाइट। वेबसाइट इंग्लिश में हम छोटी सी डेफिनेशन के रूप में कह सकते हैं कि अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस दैट हैव सेवरल लिंक्स एंड सेवरल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन बिलोंग्स टू डिफरेंट टॉपिक। तो ये कह सकते हैं कि वेबसाइट क्या है, वेबसाइट कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस यानी वेब पेज का भंडार है। जिस तरीके से आपकी एक सरल भाषा में समझ सकते हैं, एक पुस्तक होती है, पुस्तक में अलग अलग इंफॉर्मेशन से रिलेटेड पेज बहुत सारे लगे हुए होते हैं, फाइनली हम उस कलेक्शन को एक बुक बुलाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जो इंटरनेट पर किताब उपलब्ध होती है, मैं सरल भाषा में बता रहा हूँ, जो इंटरनेट पर किताब उपलब्ध होती है उस किताब में जो पेज होते हैं उनको वेब पेज बोला जाता है।
ओके। उसके बाद में अगला पॉइंट है आपका होम पेज। होम पेज का मतलब है कि जब आप कोई भी जैसे वेबसाइट खोलते हैं तो जो पहला पेज खुल के आता है वो कहलाता है होम पेज। जैसा कि आपको और अगर इजी वे में बताएं तो आप जैसे ही डालते हो www.google.com तो आपने देखा होगा कि जब जैसे ही आप ये वेबसाइट का नाम डालते हो तो वेबसाइट तो क्या होता है कि सीधे सर्च इंजन की पेज खुल के आ जाती है। सर्च इंजन का पेज खुल के आ जाता है, वो आपका फर्स्ट पेज होता है, तो वो पेज जो है होम पेज कहलाता है। फिर वहाँ से हम क्या हुआ कि इंफॉर्मेशन को सर्च करके और क्लिकिंग करके अलग अलग वेब पेज पे पहुँच सकते हैं और अलग अलग वेब पेज पर अलग अलग प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन होती है और हम अपनी ज़रूरत की इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस इंट्रोडक्शन में इतना ही काफ़ी है। यदि आपको और कुछ जानने की इच्छा हो तो वो आप इंट्रोडक्शन से संबंधित आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना काफ़ी है। थैंक यू।